तो दोस्तों जैसे कि यहाँ KGF चैप्टर 2 के साथ यहाँ पर संजय दत्त जो कि हमें एक बड़ी वापसी करते दिख रहे हैं, और जैसे कि संजय दत्त का अधीरा का किरदार तो काफ़ी गजब का लग ही रहा है। और जैसे कि दोस्तों इस बीच यहाँ पर संजय दत्त जो कि यहाँ अपने अधीरा किरदार के बारे में कहते दिखे, साथ ही जैसे कि यहाँ पर संजय दत्त तो यहाँ पर KGF को देखने के बाद का भी अपना रिएक्शन देते दिखे। मैंने KGF पार्ट 1 देखी तो अपन तो हिल गया था भाई, और रॉकी भाई को देख के तो ज्यादा हिल गया था, और प्रशांत का डायरेक्शन देख के और भी ज्यादा हिल गया था, और श्रीनिधि को देख के तो गिर गया था। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि अधीरा का कैरेक्टर मेरे पास आया, और ये करते हुए मुझे इतना मजा आया, कांट टेल यू। आई मीन द लुक, द फील ऑफ द फिल्म, इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर संजय दत्त का कहना था कि यहाँ पर KGF फिल्म देख तो पूरी तरीके से हिल गए थे, और इसमें वो अपने आप को काफी ज्यादा खुशनसीब मान रहे कि उन्हें अधीरा का एक किरदार मिला। और जैसे कि यहाँ पर संजय दत्त का कहना था कि यहाँ इस किरदार को निभाने में यहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा मजा आया है, क्योंकि यहाँ इस किरदार के लुक से लेकर इसका फील जो कि यहाँ फैंटास्टिक रहा है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ संजय दत्त ने तो यहाँ पर अपना KGF किरदार जो कि काफी ज्यादा एंजॉय किया है, और इसमें दोस्तों यहाँ संजय दत्त का जिस तरीके से यहाँ पर KGF चैप्टर 2 के बारे में कहना है, उसे सुनते ही लग रहा है कि यहाँ फिल्म जो कि सभी को पूरी तरीके से पागल करने वाली है। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।